कथावाचक पंडित महेश गुरुजी ने लौ जिहाद कानून बनाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लौ जिहाद जैसे कानून बनाने अति आवश्यक था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लौ जिहाद कानून बनाने उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लौ जिहाद कानून बनाने और उसे लागू करने को लेकर संदेश दिया है। उक्त बातें बागली में आए भागवत कथा वाचक पंडित महेश गुरुजी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि तथाकथित लोग हिंदू समाज की बेटियों को भेला फुसला कर प्यार के झांसे में लेकर उनके साथ अन्याय करते थे। महेश गुरु ने कहा कि वर्तमान में लौ जिहाद को लेकर जो कानून लागू किया गया है उसमें और भी कड़क नियम कर देना चाहिए, जिससे कि ऐसे दरिंदों की हिम्मत ना हो हिंदू समाज की बेटियों और आंख उठाकर कोई न देख सके। यह कानून लागू होने पर महेश गुरुजी ने मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हिंदू समाज की बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया। बागली संवाददाता की रिपोर्ट। जिंदगी भर होगी कथा में रहते रहते, यही पता नहीं है जरा सा बच्चा तुम उसके मुंह पे फूल फेंकोगे तो क्या रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नया लव जिहाद को लेकर कानून लागू किया गया है मध्य प्रदेश में, तो क्या किन दृष्टियों से आप उसको देखते हो और क्या उसका फायदा मिलेगा प्रदेश को? हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारा धर्म ये कहता है भाई अपने अपने जात में अपने अपने धर्म में शादी विवाह इत्यादि संबंध होने चाहिए, जिससे संस्कृति संस्कार धर्म विचार ये सब सुरक्षित और शुद्ध रहते हैं। हम तो हमारे पितरों को भी पिंडदान करते हैं, जल देते हैं। अब जब विवाह ही कहीं दूसरी जगह होगा तो पितरों को किस तरह से पिंडदान किया जाएगा, किस तरह से हम जलांजलि देंगे और हमारे पितरों का किस तरह से हम मोक्ष कर पाएंगे अगर हम अपने धर्म को ही छोड़ के जाति को छोड़ के किसी अन्य जगह विवाह करेंगे। तो ये जो लव जिहाद है ये तो बहुत ही बुरा है और ये तथा कथित जो विधर्मी लोग हैं उनके द्वारा ये संचालित है और स्पष्ट रूप से उनका उद्देश्य है कि किस तरह से सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया जाए और इनके जो श्रेष्ठ संस्कार हैं जिसके कारण से ये कभी आर्थिक रूप से भले ही कमजोर हो जाते हैं पर आध्यात्मिक रूप से कमजोर नहीं हो पाते हैं, इनके संस्कार कभी कमजोर नहीं हो पाते, इसलिए हमेशा ही विश्व गुरु के पद पर बने रहते हैं। हमारी इस सनातन संस्कृति की जो समृद्धि है प्राचीन काल की ऋषि मुनियों की तपस्या से जो हमने अर्जित की है ये इस तरह से उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं और हमारी जो लड़कियां हैं उनके साथ ये किस तरह से कपट करते हैं, कलावा बांध लेते हैं हाथ में, चोटी पीछे बांध लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं और इस तरह से ये लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा करके फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ये किस तरह से सही है? आप जब उनको पता ही नहीं चलने दे रहे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान और इस तरह से आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो ये तो किसी भी दृष्टि चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लें चाहे धर्म की दृष्टि से देख लें किसी भी दृष्टि से देखें ये सही नहीं है। इसीलिए लव जिहाद की मैं निंदा करता हूँ और सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए जो जो कानून बनाए हैं जो कदम उठाए हैं मैं उनकी खूब भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि इतने कड़े कानून बनना चाहिए इसको लेकर के कि कोई भी विधर्मी इस तरह से हिम्मत साहस ना कर सके इस तरह के कुत्सित कार्य करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।